वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। अब वापस से मुझे देख रहे हो एक छोटी सी डिस्प्ले के ऊपर और ये डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से चार्ज ग्रो एप्लीकेशन में लगते हैं। काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि यार ग्रो एप्लीकेशन में क्या क्या चार्ज लगते हैं वो मुझे बताओ। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई भी स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली चार्जेस के बारे में बताना चाहिए। मान लो आपने 5 रुपये कमाए और 10 रुपये जा रहे चार्जेस में, वो बहुत गलत बात है। तो आपके कॉमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे पहले तो 2-3 कॉमेंट ले लेंगे, उसके बाद जाके मैं आपको पूरे चार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर ट्रिंगल खन्ना जी ने यहाँ पे एक कमेंट किया है जहाँ पे लिखा है कि चार्जेस क्या है ग्रो एप्लीकेशन को बताओ, और वन मोर डाउट की कॉल और पुट ऑप्शन कहाँ से आएगा ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं बताना चाहूँगा ग्रो एप्लीकेशन में मैं डेली बात करता हूँ, कॉल एंड पुट ऑप्शन अभी तक नहीं है, वो अभी फ्यूचर का वो लोग कर ही रहे, सारे चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे तो स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन नहीं है ग्रो एप्लीकेशन में, तो आप तो कॉल एंड पुट की बात करो तो ये अभी तक नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कॉल एंड पुट ऑप्शन तो आप अपस्टॉक में चले जाइए, वहाँ पे सारे फीचर है, सारे टेक्निकल एनालिसिस है, सब कुछ है। ग्रो एप्लीकेशन में क्यों आ रहे हो आप, अपस्टॉक में चले जाइए तो थोड़ा और टाइम लगेगा इसके ऊपर। और नेक्स्ट ये चार्जेस का तो बहुत सारा मैसेज है। उसके बाद यहाँ पर और एक कमेंट है जुगल नथानी जी, कैन यू शो गाइड वीडियो परचेस एंड सेल स्टॉक। हाँ डेफिनेटली यार, मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, मैंने आपको वो भी बताया। नेक्स्ट वीडियो यानी अभी तो मैं चार्जेस का बना रहा हूँ। चार्जेस का भी मैं इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे पता था ग्रो एप्लीकेशन कोई ना कोई चार्जेस में चेंजेस करेगी और ये उन लोगों ने करा भी सही। मैं आपको वो इसमें दिखाने वाला हूँ कि क्या 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 चेंजेस किए, तो मुझे ये पता था इसलिए मैंने बोला थोड़े टाइम के बाद वीडियो बना देते हैं जिसके आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर नॉलेज मिले। मैंने 2-3 यूट्यूब पे वीडियो देखे जिन लोगों ने चार्जेस के बारे में बनाए, उन लोगों ने थोड़ी सी गलतियाँ भी करी है चार्जेस को शो करने में, वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और रही बात की इसमें इंट्राडे करने की बाय एंड सेल, तो वो मैं करने वाला हूँ, लेकिन मार्केट अभी बहुत बुलिश चल रहा है। जैसे मोदी जी ने अभी फंड निकाला है तो मार्केट बहुत ही गैप अप में आ चुका है, तो अभी तक जैसे भी स्टेबल नहीं हुआ थी मार्केट तब तक तो यार मेरा भी लॉस हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लो। नेक्स्ट वीडियो पक्का यही आएगी, लेकिन मार्केट को थोड़ा सा वो होने दो। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले चार्जेस की, कि जिसके ऊपर आज का टॉपिक है। चार्जेस में आपको बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको पता है कोई भी चार्जेस नहीं है। अब रही बात स्टॉक की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोगों ने जो करी है, जो ये एक तो एक यही बंदा है, इस बंदे ने बहुत ही अच्छे से वीडियो क्रिएट किया है, ये है रिटेल एडवाइजर। इसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है पीपीटी के थ्रू सारे चार्जेस के बारे में, लेकिन उससे थोड़ी बहुत गलती करी है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो बाइंग के ऊपर जो भी है डिलीवरी या इंट्राडे, बाइंग के ऊपर ग्रो कोई भी चार्जेस नहीं लेता। आप उस पर कॉन्टैक्ट भी करोगे तो भी वो लोग वही बोलेंगे कि बाय पे हमारा कोई चार्जेस नहीं है, स्टॉक ये सेल पे ही है। तो बात करते हैं सबसे पहले इक्विटी डिलीवरी। इक्विटी डिलीवरी क्या होता है कि जब भी आप कोई भी स्टॉक परचेस करते हो तो दो दिन के बाद डिलीवर होता है, T+2 का यहाँ पे रूल चलता है। तो यहाँ पर आज खरीदा, कल वापस से स्टेबल रखा, तीसरे दिन स्टेबल रखा, उसके बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी में आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है, कोई भी यहाँ पे ब्रोकरेज है नहीं आपका। अब बात करते हैं इंट्राडे के अंदर, इक्विटी इंट्राडे, यहाँ पे आपके जो ब्रोकरेज है वो है 0.01% टू 20 रुपीज़, यानी 20 रुपीज़ से आगे जाएगा ही नहीं। आप कितना भी ले लो 0.01%, जो कि बहुत ही लोअर है, जितना भी कम होगा उतना ही वो लोग लेंगे, बहुत चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम 20 रुपये नहीं जाएगा। तो 20 रुपये आप मान के चलो कि चलो 20 रुपये इसके चले गए, वैसे तो कम ही जाएंगे लेकिन मान लो 20 रुपये चले गए। तो एक ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई भी शेयर को अगर बाय करो तो उसको जब सेल करो तो प्रॉफिट में ही करना है, ये आपको मान के चलना है। तीसरा है कि AMC आपका 25 रुपये जो मेंटेनेंस चार्ज लगता है AMC का, वो है 25 रुपये पर मंथ, यानी ईयरली हो गया 300 रुपये अगर आप डीमेट अकाउंट में कोई भी आपका शेयर पड़ा है तो उसको संभालने का, यानी उसके मेंटेनेंस का। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको AMC नहीं देना है, तो ये आपका चार्ज नहीं लगेगा। अब इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक थोड़ी बहुत कमेंट करना चाहूँगा, यहाँ पे 0.01% अप टू 20 है। ये वीडियो में अगर आप जाके देखोगे तो इस बंदे ने थोड़ी सी गलती करी, इसने क्या बोला है कि बाइंग पे 20 रुपये मैक्सिमम और सेलिंग पे 20 रुपये मैक्सिमम, यानी टोटल 40 रुपये, 40 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बाइंग पे कोई चार्ज नहीं है, सेलिंग पे 20 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब टोटल जो आपका टर्नओवर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये, कोई यहाँ पे 40 रुपये का वो नहीं है। तो इसने ये थोड़ा सा गलत कहा है, बाकी उसने वीडियो काफ़ी अच्छी बनाई है। तब बात कर ली AMC की 25 रुपीज़। अब ये वाला मैं बताने वाला था अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ये मुझे पता था कि कोई भी कंपनी जस्ट अभी स्टॉक लेके आई है और उससे पहले ही उसकी कॉम्पिटिटर में अपस्टॉक जीरो का है, जो कि 300-300 रुपये में अच्छे खासे फीचर्स के साथ दे रहे हैं डीमैट अकाउंट ओपनिंग का। तो ये मुझे पता था कि 200 रुपये लोगों ने जो करे वो निकाल ही देंगे, वो जीरो कर ही देंगे, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अब जबकि उन लोगों ने ये 200 रुपये निकाल दिए, तो अगर आप अभी भी चाहते हो कोई भी ये डीमेट अकाउंट खोलने का, तो ये 200 रुपये जो थे वो जीरो हो गए, यानी अभी भी फ्री में डीमेट अकाउंट खुल रहा है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो कैसे स्टॉक का ऑप्शन लाया जा सकता है, कैसे डीमेट अकाउंट खोला जा सकता है, वो सारी वीडियो मैंने बना दी है। अगर आप चाहो तो आप मेरे रेफरल लिंक से भी खोल सकते हो, मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा उस पर। डीपी चार्जेस वो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ये डीपी चार्जेस है। ये क्या होता है कि कोई भी आप स्टॉक
परचेस कर रहे हो कि डीमेट अकाउंट में चले गए, तो जब वो डीमेट अकाउंट में जाता है यानी डिलीवरी कर रहे हो आप कोई स्टॉक की, डिलीवरी पे डीपी चार्जेस लगते हैं। अब उसमें बाय पे नहीं लगेंगे, यहाँ पे बाय ऑर्डर पे ये जीरो है, लेकिन सेलिंग पे है, यानी मैं बता रहा हूँ बाय पे कुछ नहीं है, सेलिंग पे ही है। तो मान लो आप कोई भी डिलीवरी कर रहे हो तो यहाँ पर डीमेट अकाउंट का है, यानी डेबिटिंग स्टॉक फ्रॉम डीमेट अकाउंट। जब भी आप कोई भी स्टॉक डीमेट अकाउंट से एग्जीक्यूट करोगे, जब आप उसको डेबिट करोगे, तो यहाँ पर 8 प्लस 5.50 यानी 13.5 रुपये प्लस GST जो लगेगा वो। जब भी आप उस स्टॉक को बाहर निकालोगे तो इस पर आपका इतना चार्ज लगेगा। तो ये इंट्राडे पे नहीं लगता, ये सिर्फ डिलीवरी पे लगेगा। जब डिलीवरी का स्टॉक आप जब भी बाहर निकालोगे डीपी चार्जेस लगेगा, जो कि 80% GST के साथ लगेगा। यानी आप मान के चलो ये 13.5 प्लस 80% GST 16-17 रुपये के अप्रोक्स आपका ये पड़ा, तो डीपी चार्जेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.00325% NSE में, मतलब कोई भी स्टॉक आप ले रहे हो वो NSE या BSE तो होगा, तो उसके एग्जीक्यूशन चार्जेस है ये एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग, मतलब जो एक्सचेंज होगा आपका 0.00325% NSE में और 0.003% BSE में। अब मैं आपको मेरी कॉन्टैक्ट नोट भी दिखाऊंगा, जो कि ग्रो वाला मुझे हर रोज रात को 11 या 12 बजे को मुझे भेजता है। ये मेरा पूरे इंट्राडे का जो भी ट्रेडिंग में जो भी मैंने किया हुआ है बाय सेल, उसका पूरा चार्जेस का ये पूरा ये कॉन्टैक्ट नोट है। तो इस पे मैं आपको नेक्स्ट, अभी ये जैसे खत्म होता है मैं आपको इसमें समझाता हूँ कैसे करना है। अभी बात करते हैं ये NSE BSE के, जो कि यहाँ पे NSE BSE के जो चार्जेस लगे हैं NSE 1.30, तो ये टोटल जो टर्नओवर होगा उसका यहाँ पे आपको 0.00325% NSE में और टोटल टर्नओवर का 0.003% क्लियरिंग चार्जेस जो कि जीरो है। अब बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी की, स्टैम्प ड्यूटी है 0.018% जो कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये इतना नहीं होता। यहाँ पे आप क्लिक क्लियर पे जाके देख सकते हो कि आपकी जो सिटी है, जैसे मेरी गुजरात है तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी मेरी 0.01% लगता है। मान लो आपकी दिल्ली है, दिल्ली में भी वही है 0.02% समथिंग है, वो सारे आपकी सिटी के वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट है सेबी टर्नओवर चार्जेस, सेबी टर्नओवर यानी सेबी जो सिक्योरिटी है उसके चार्जेस है 0.0001%। ये बहुत ही लेस है, ये आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये काफ़ी लेस होता है। तो जो भी आपका टर्नओवर उस पर 0.0001%। नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे चार्जेस, ये पेमेंट गेटवे क्या होता है, यहाँ पे ग्रो आपका डीमेट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन करता है या फिर आप ग्रो से बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी पैसा डालने या रखने का काम करते हो, वो जो ट्रांजेक्शन के चार्जेस है वो भी ग्रो नहीं ले रहा है, अभी नहीं ले रहा है, यानी यहाँ पे लिखा है एज ऑफ नाउ अभी नहीं ले रहा है, बाद में शायद आ सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस है STT, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर है अगर आप डिलीवरी करो इक्विटी डिलीवरी, यहाँ पे 0.1%, और अगर इंट्राडे करो तो 0.025% इंट्राडे में है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी कॉन्टैक्ट नोट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट पे सबसे पहला, ये सबसे पहली मेरी नोट है जो मैंने पहली बार ट्रेडिंग किया था उसका है, अभी तो बहुत ज़्यादा है, ये तो मैं आपको बहुत कम दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे टैक्सेबल जो वैल्यू है, यहाँ पे सबसे पहला ये ब्रोकरेज, तो मेरी जो टोटल टर्नओवर है उस पर ये ब्रोकरेज है 2.56। NSE में मैं ट्रेड कर रहा था तो NSE का जो चार्ज है 1.30, जो कि मैंने आपको बताया NSE का कितना रहता है 0.00325%। नेक्स्ट है GST, अब GST यहाँ पे कैसे डिसाइड हुआ, यहाँ पर जो ब्रोकरेज है प्लस NSE का चेंज, यानी आप 2.56 प्लस 1.30 को प्लस कर लो, उसका 18% निकालोगे, इतना हो जाएगा। और अगर आप मान लो BSE का भी कोई स्टॉक ले रहे हो तो ये ब्रोकरेज प्लस NSE प्लस BSE, उसका 18% निकालोगे, इतना हो जाएगा। ये हो गया स्टैम्प ड्यूटी, मैंने बताया आपको स्टैम्प ड्यूटी पर स्टेट वाइज होता है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो कि मैंने बताया बहुत मुझे ज़्यादा लग रहा है, जो कि है 0.025%। अब ये सेबी का चार्ज है जो मैंने बहुत लेस होता है 0.04%, तो भी टर्नओवर पे होता है। सो मतलब ये जो सारे चार्जेस है इतने से लेके इतने तक जो चार्जेस है, ये सारे चार्जेस को प्लस कर देना है। सो ओवरऑल मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, कोई भी आप स्टॉक परचेस करो, तो उसको पक्का श्योर रखो कि वो डाउन में नहीं जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे मेरी एक डायरी बना ली है, जब मेरे को स्टार्टिंग में लॉस हुआ तो मैं सोचा क्यों लॉस हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया, एक डायरी में सारे जो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे थे उसके नाम लिख लिए, उसके सबसे बॉटम वैल्यू यानी एक वीक एक मंथ या एक ईयर के अंदर सबसे बॉटम वो कहाँ पे पहुँचा है और कहाँ पे बार बार वो पहुँच रहा है। यानी मान लो कोई स्टॉक बार बार 4 रुपये पे गिर रहा है, वापस 10 रुपये जा रहा है, वापस 4 रुपये आ रहा है, वापस 10 रुपये जा रहा है, तो उसका जो बॉटम वैल्यू है 4 रुपये वो आप एक बार लिख लो और उसका जो टॉप वैल्यू है वो एक बार लिख लो। तो मैंने अपनी डायरी के अंदर सब कुछ वो लिख लिया है सारे स्टॉक का। अगर आप चाहते हो तो इस पर एक वीडियो बना के आपको जितने भी स्टॉक की जो बॉटम वैल्यू है वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन इंट्राडे के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो इंट्राडे में जब बार बार वो नीचे गिरता है, बार बार ऊपर आता है, इसका मैंने सारा लिखा है। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसा कुछ तो आप लिख लो कि ये स्टॉक इतने पे जाता है, इतने पे ऊपर आता है, ये एनालिसिस करना पड़ता है। बाकी आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो MACD को ले सकते हो, VWAP को ले सकते हो, वो सारे तो है ही, लेकिन ये एक प्रॉपर वे है कि जिससे आप
जब भी वो स्टॉक नीचे आता है, अब बार बार अगर इंट्राडे में जाओगे तो आपको लॉस होगा, ये पक्का है। जितने भी लोग अभी तक वो आए हैं मार्केट में, वो सभी यही बोल रहे हैं कि बार बार इंट्राडे करोगे आपका लॉस होगा ही होगा, उससे अच्छा कम आओ और ज्यादा लेके जाओ। और वॉरेन बफेट के दो रूल है, पहला कि नेवर लूज योर मनी और सेकंड नेवर फॉरगेट रूल नंबर वन। आपका पैसा आपके लिए सबसे मेन चीज है, तो आप उसको लूज नहीं होने देना है और ये भूलना नहीं आपको। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो वो चीज चली भी गई, डाउन में चली गई, तो उसको होल्ड करके डिलीवरी कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको बेच ही दो, डिलीवरी कर दो। एक लेवल तक हो रहा है, अगर चलो रिलायंस के जैसे भी बहुत डाउन में चले गए तो बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो वो आपको लग रहा है कि ये आप वापस से ऊपर जाएंगे थोड़े टाइम के अंदर, तो आप उसको स्टेबल करो। जब तक ऊपर नहीं आते तब तक उसको बेचो नहीं, क्योंकि आप बेच दोगे तो ऑब्वियसली यार ये आपके चार्जेस भी बहुत ज्यादा लग जाएगी, आपका लॉस भी हो जाएगा। तो कभी आपको अपनी मनी को लूज नहीं करना है। अब इसका मैं टोटल समराइज कर दूं, इसमें सारे चार्जेस सब में लगने वाले हैं। आप डिलीवर करो, इंट्राडे करो, सब में लगने वाले हैं। सिर्फ इंट्राडे में आपके डीपी चार्जेस नहीं है और आपका एनुअल जो ये मेंटेनेंस चार्ज है वो इंट्राडे में नहीं होने वाला है, बाकी सारे चार्जेस लगने वाला है। और सेकेंड अगर आप मैं डिलीवरी की बात करूँ तो डिलीवरी में आपके ब्रोकर नहीं लगने वाला है, बाकी सारे चार्जेस लगने वाले हैं। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि इंट्राडे के चार्जेस बहुत ही कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंट्राडे बहुत ही सही है। कोई भी फंड की एक फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, एनालिसिस के बाद वही स्टॉक को आपको लॉन्ग टाइम के लिए कर छोड़ दोगे तो आपको ये अपने जो चार्जेस जो 300 रुपए के उसने बताए और जितने भी आपके चार्जेस लगे वो भी आपको बहुत ही कम दिखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। इंट्राडे में आपके लॉस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो मैं रिकमेंड यहाँ पे नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो, जैसे अभी मैं भी इंट्राडे ही कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे बनाऊंगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट करूंगा। राकेश झुंझुनवाला ने भी यही किया था, पहले थोड़े बहुत इंट्राडे में पैसे बना लिए उसके बाद उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो ये मैंने डायरी बना दी, ऐसे कोई आप डायरी बना लो, एक स्टॉक की पर्टिकुलर एनालिसिस कर लो, उसकी बॉटम वैल्यू एक टॉप वैल्यू निकालो और आपको वो सबसे सही रहेगा। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बताएं, मैं सारी कमेंट यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो और अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो ग्रो में अभी बेस्ट ऑप्शन है खोलने के लिए। थोड़ी बहुत ग्रो मुझे पता है, ग्रो अपने आप ही ग्रो होगा, तो ये सारे फीचर्स भी लेके आएगा ही आएगा। एप्लीकेशन काफी अच्छा है, इसकी कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा है। तो कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट कर देना। अगर अकाउंट खोलना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन डाल दिए, मेरी और दो वीडियोस है जिसमें आपको कैसे स्टॉक लाना है वो सारी डिटेल वहाँ पे दी गई है। सो भी मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनिए, तो अपने गुल्लक में जो भी पैसे पड़े उसको तोड़ के उसको इन्वेस्ट कीजिए प्रॉपर एनालिसिस के साथ। और आपको इंट्राडे करना कि फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टाइम के लिए करना है वो आपकी मर्जी है, तो वो आप करें और आपका पैसे को डबल ट्रिपल जो करना है वो करें। मैं बैठा हूँ यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन पैसे लूज नहीं होने चाहिए, बस इतना वादा आपको मुझे करना है बस। तो ये हो गया आपका चार्जेस के बारे में वीडियोस। अब होपफुली अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।